गुरुवार को बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। कल देर रात इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई थी। इसके पश्चात आज सुबह ये युवा अभ्यर्थी अपनी बात रखने फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं अभ्यर्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द निकाला जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह से गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। सरकार में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार घोषणा की है, बड़े बड़े मंचों से घोषणा की है कि आपका रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक वर्ष का जो है उनका आयोजन हुआ था धर्मशाला में हाल ही में, उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने भरी सभा में ये घोषणा की कि आपका रिजल्ट जो है एक महीने के अंदर अंदर जो है हम दे रहे हैं। एक महीना बीत गया, दो महीने बीत गए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है 3 महीने होने वाले, कुछ दिन बचे मात्र। तो आखिर क्या सर्वोच्च न्यायालय से जो भी जो है उनकी बात को भी जो है अनसुना किया जा रहा है, हाई कोर्ट की बात को भी अनसुना किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश में क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या नहीं बचा है लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश में? जितने भी परिवार है, हम सिर्फ JYT 817 के अभ्यर्थी नहीं है, 939 है, 903 है, 965 है, 1003 है, इतने सारे पोस्ट कोड है, सब पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी जो उससे बाद मिलके जो है परिवार के साथ यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित समझ, बहुत प्रताड़ित है सर, क्या बोल सकते हैं अब। कल कुछ बच्चे रो रहे थे शाम को, क्या कर सकते हैं? घर से बोल रहे हैं कि कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, पहले सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको नौकरी देंगे, आज सरकार को 1 साल हो चुका है, 1.5 साल होने लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक उसमें कुछ काम हुआ है या हमारी समस्याओं को सुना गया। नहीं सुना गया, बिल्कुल भी नहीं सुना गया। तो सब प्रताड़ित है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है बच्चे, कोई सेकेंडरी ऑप्शन भी नहीं है, क्या करेंगे सर, क्या ऑप्शन है? वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि वे अपने मुद्दे को लेकर पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मगर तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिली है। सिस्टम से हताश JOA IT अभ्यर्थियों ने बताया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के 6000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षाओं के बाद भी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले, कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि मामले में कानूनी पहलुओं पर गौर कर इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि जल्द ही इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलने वाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।